वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी 4.6 की बात करने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले डिटरमिनेंट 7 पढ़ लेना है आपको। डिटरमिनेंट 7 में एक्चुअली सिर्फ डिटरमिनेंट नहीं है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का फ्यूजन है। वहाँ डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की मदद से किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सोल्व किया जाता है ये सिखाया गया है, तो उसको पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद शुरुआत के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम लोग को ये जाँचना है कि कौन सा समीकरण निकाय यानी कौन सा लीनियर इक्वेशन का सिस्टम संगत है और कौन असंगत है, यानी कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो संगत यानी कंसिस्टेंट होने के लिए या तो डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए, या डिटरमिनेंट 0 हो तो एडजॉइंट ए गुना बी भी 0 हो, और असंगत होने के लिए डिटरमिनेंट का 0 मगर एडजॉइंट ए गुना बी 0 नहीं। चलिए इसी आधार पर क्वेश्चन मैं 2-4 बता रहा हूँ। मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 और 6 इस पर बताऊंगा। 1 में लिखा हुआ है आपका एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो ए इसमें गुणांकों का व्यू है, एक्स वाई का साथ गुणा, एक्स के साथ गुणा कुछ नहीं है, तो एक दो और दो तीन। फिर ए का डिटरमिनेंट क्या होगा आपका, 3 घटाओ 4 माइनस 1 हुआ, तो ए का डिटरमिनेंट यहाँ माइनस 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, ये वाला कैटेगरी। तो जब डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन हो गया मतलब हल मिलेगा, मतलब एक्स वाई को एक एक ठो मान मिलेगा, इसका मतलब ये समीकरण निकाय कंसिस्टेंट है यानी कि संगत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, इसी बात को समझने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में 5x-y+4z = 5 और है फिर 2x+3y+5z = 2 और उसके नीचे है 5x-2y+6z = -1 है ना। एक बार फिर से मैं जांच कर लेता हूँ, 5x इतना ठीक है, 2x 3y 5z 2 और ये ठीक है। ये समीकरण निकाय हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को बस जांचना है कि हाँ इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो पहले तो आप भाई ये लिख लो, ए एक्स वाई जेड का गुणांक इसमें देखो आप 5, वाई के साथ कुछ नहीं तो 1 और माइनस है, माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 6 और x क्या होता है वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और b क्या होता है अचर, वो जो दूसरी तरफ एक्स वाई जेड के दूसरी तरफ जो संख्या मिलती है हमको बिना एक्स वाई जेड के उसका कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहला काम हमको a का डिटरमिनेंट निकालना है, a का डिटरमिनेंट निकालना है तो रो या कॉलम से, फर्स्ट रो से ही मैं काम कर रहा हूँ। 5 के साथ क्या होगा इसका रो और कॉलम छोड़ के, 36 18 + 10, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब तक बहुत सारा सवाल हम लोग बना चुके हैं, लास्ट फेज में है तो मेरी इतनी अपेक्षा है आपसे। और फिर -1 का चिन्ह होगा माइनस, इसका भी रो और कॉलम छोड़ के ये 2 और ये 2 बचे, तो 6 × 12 = 50 और प्लस 4 के साथ 4 का रो और 4 का कॉलम छोड़ के, वीडियो यहाँ तक कवर हो रहा है ना, तो 4 के साथ यहाँ -4 और -15, फिर देखते हैं क्या आता है, तो 5 18 और 10 28 है ना, 28 × 5 28 में 5 30 × 5 150 10 × 140 140 हो गया हम लोग का आधुनिक 10, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाना है, और फिर 12 में से 25 गया -13 होगा, अंदर में -13 होगा, और फिर यहाँ 15 और 4 19 19 गुना 4 19 दूनी 38 19 चौक 76 19 गुना 4 4 19 चौक 76 होता है। तो ये हुआ कैलकुलेट करने से, अब हमको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, बस इतने ही पर ध्यान लगाइए ना आप कि इसका मान 0 नहीं है, तो जब इसका मान 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन जब इसका मान 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, और यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक एक ठो सॉल्यूशन मिला
तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलने वाली स्थिति को कंसिस्टेंट कहते हैं। जब डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं है तो वहाँ एक एक सॉल्यूशन मिलता है, और मिलता है मतलब इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यही पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब संगत, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत, बस यही तो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 6 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक की हेडिंग में ये कहा गया है कि सॉल्व करें, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। इसकी तरह केवल जांचना नहीं है, यहाँ बस जांचना था, सॉल्व नहीं करना था। अब हमको क्वेश्चन नंबर 7, 10 और उसके आगे के प्रश्नों में हमको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, बता रहा हूँ मैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको सॉल्व करना है। 7 में लिखा हुआ है 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। 5x 2y 4 7x 3y हो गया 5। चलिए a हो जाएगा एक्स वाई के गुणांकों से बना अभ्यूह, 5, 2, 7, 3 एक्स हो जाएगा एक्स वाई का कॉलम मैट्रिक्स, और b हो जाएगा कांस्टेंट से बना मैट्रिक्स। ये एक्स ए एक्स बी हो गया। अब हमको फॉर्मूला यूज करना है, x बराबर a इनवर्स b। तो a इनवर्स के लिए पहले चाहिए a का डिटरमिनेंट और फिर एडजॉइंट। तो डिटरमिनेंट 15 घटाओ 14 1 + 3 15 घटाओ 7 2 14 1 हो गया। और एडजॉइंट a, एडजॉइंट में डायगोनली चेंज होगा, ये 3 ऊपर और 5 नीचे, फिर -2 और -7। फिर तो ए इनवर्स अब हमको मिल जाएगा। लेकिन अब फॉर्मूला सीधे, फॉर्मूला हम लोगों का सॉल्यूशन वाला यहाँ क्या है, x = a inverse × b। हाँ, ए इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है 1/determinant × adjoint × b। ध्यान दीजिए, एक्स है आपका कॉलम मैट्रिक्स, ध्यान ये एक्स हुआ, 1/a का डिटरमिनेंट 1 है, एडजॉइंट आपका 3 - 2 - 7 5 है, बी है आपका 4 5। अब आप इसको गुणा करेंगे, गुणा करने में ऐसे रो से कॉलम में गुणा होता है, तो इस रो का इस कॉलम में 3 × 4 = 12 और -2 × 5 = 10 होगा, फिर इसका इससे तो -7 × 4 - 28 और +25। तो इस प्रकार से यहाँ हमको मिला, जरा कैमरा का ध्यान इधर लाइएगा, तो इस प्रकार से यहाँ मिला हमको x y = 2 और -3। तो x का मान 2 हुआ और y का मान -3 हुआ। आंसर आपका आंसर आया हुआ सही है कि नहीं है, ये जांचने का तरीका यही है कि ये दोनों वहाँ भरिएगा। चलिए मैं जांच दे रहा हूँ आपका आंसर, ये हालांकि आपके सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपको जांचना पड़ा, कभी कभी होता है किताब में ही मिसप्रिंट हो जाता है। 5x + 2y = 4 है, बस भरना है 5 × x = 2 + 2 × −3। तो ये 10 और −6 = 4 ही तो सही है, तो ये जांचा जा चुका, ये सवाल का हिस्सा नहीं था, ये बस समझने के लिए मैंने बोल दिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो a होता है यहाँ एक्स वाई का गुणांक, एक्स वाई के साथ है यहाँ 5 2, इसमें एक्स वाई के साथ है 3 2। x होता है वेरिएबल का मैट्रिक्स,
और बी होता है यही अचर का 3, 5। बी अचरों से बना मैट्रिक्स होता है, ये जो एक्स वाई के बाद दूसरी तरफ होता है कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स। अब आपको ए इनवर्स चाहिए, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए इनवर्स होता है 1/A का डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट ए। तो 1/ डिटर्मिनेंट डायरेक्ट मान निकालो ना आप, 5 × 2 = 10 घटाओ 6, एडजॉइंट में डायगोनली पलटोगे आप और ऑफ डायगोनल वाले का चिन्ह बदलोगे आप, -2 - -3, तो ये हो जाएगा 1/4, 2 - 2 - 3, 5, ए इनवर्स मिल गया। अब आपने फॉर्मूला ले लिया x = A−1 × B, हमेशा आपको ए इनवर्स निकाल करके ये फॉर्मूला लिखना है। x है आपका xy, ए इनवर्स है 1/4, 2 - 2 - 3, 5 और बी आपको दिख ही रहा है 3, 5। और हाँ, गुणा अब करना है आपको, तो रो 2 - 2 से आप इसमें गुणा कर रहे हैं, यहाँ नीचे वाला आ रहा है ना पूरा एकदम नीचे तक, तो इससे आप इसमें गुणा कर रहे हैं 2 - 2 से, 2 × 3 = 6 और -10, और फिर इससे इसमें गुणा कर रहे हैं -9 और +25। तो इस प्रकार ये आपका, अब इधर ध्यान, इस तरफ कैमरा को लाइएगा इधर, और यहाँ हो गया आपका xy = 1/4, यहाँ हुआ -4, अब 25 में से 9 गया 16 हो जाएगा, 1/4 से गुणा हुआ तो 4 × 4 4 × 16, तो यहाँ x का मान आपको -1 मिला, y का मान 4 मिला। क्वेश्चन नंबर 11, 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2। गड़बड़ इसमें है, इसमें x वाला टर्म ही नहीं है, तो उसकी भी चिंता नहीं करना है, जो टर्म नहीं है वहाँ उसे अपने मन से 0 × x करके लगा दीजिए। अगर y नहीं रहता तो 0 × y लिखते थे, z नहीं लगता तो 0 × z लिखते थे। और इस प्रकार मैट्रिक्स A, फिर पहला वाला में एक्स वाई जेड का गुणांक 2, 1, 1, दूसरा वाला में 1 - 2 - 1, एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो 1, वाई का -2, जेड का -1, एक्स का 0, 3 - 5। एक्स तो वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स होता है एक्स वाई जेड, और बी जो है कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स होता है 1, 3/2 और 9, ये हुआ। अब फॉर्मूला रहता है आपका x = A−1 × B, इसके लिए आपको ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए का एडजॉइंट चाहिए। तो ए का डिटर्मिनेंट एक एक किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, जैसे चलिए मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, 2 के साथ 2 का रो और कॉलम छोड़ के, पहले ये गुणा तब माइनस में ये गुणा, तो ये 10 और घटाओ -3, 2 बार माइनस, -1 ये वाला, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ के ये बचे हैं, तो 1 × -5, -5 और घटाओ 0, प्लस लास्ट वाला 1 के साथ 1 का कॉलम और रो छोड़ के ये वाले 4 बचे, तो पहले 3 - 0, तो इस प्रकार से आपका 2 × ये तो प्लस में हो जाएगा, 2 बार माइनस प्लस बनता है 2 × 13, -1 × -5 तो +5 हो जाएगा, और +3 तो 13 × 26 +5 = 31 और 3 = 34। तो याद रखना है ए का डिटर्मिनेंट 34 है, आगे ज़रूरत पड़ेगा। अब हमको एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट डायरेक्ट मुझे लिखना है, डायरेक्ट ही काम किया जाएगा। हाँ, यहाँ मैं समझने के लिए बस एक बार लिख देता हूँ क्योंकि लास्ट में मुझे मिटाना है, तो एडजॉइंट ए हमको लिखना है। क्या वीडियो पूरा यहाँ तक दिख रहा है ना? ठीक है, एक बार समझने के लिए, एक बार यहाँ समझने के लिए कि मैट्रिक्स ए क्या है, मैं लिख ले रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूँगा। 2, 1, 1, 1, -2, -1, 0,
थ्री माइनस फाइव। अब मुझे इन सब का इन सब का को फैक्टर लिखना है, क्योंकि एडजॉइंट की यही परिभाषा है, को फैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए पहले दो का रो और कॉलम छोड़ के प्लस चिन्ह के साथ, ये 10 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह के साथ इसका कॉलम और रो छोड़ के ये बचे माइनस 5 0, और फिर प्लस इसका कॉलम और रो छोड़ के ये बचे 3 घटाओ 0। पूरा इधर ही कैमरा फोकस कीजिए। सेकेंड रो 1 का कॉलम और रो छोड़ के ये बचे 1 गुना माइनस 5 माइनस 5 माइनस 3, बीच वाला का रो कॉलम छोड़ के ये बचे 2 गुना माइनस 5 माइनस 10 घटाओ 0 माइनस इसका रो और कॉलम छोड़ के ये और ये बचा 2 3 6 घटाओ 0 इसका गुना, एंड द लास्ट रो 0 का रो और कॉलम छोड़ के ये बचे तो 1 गुना माइनस 1 प्लस चिन्ह के साथ माइनस 1, मैं इसका लिख रहा हूँ तो ये 1 गुना माइनस 1 माइनस 1 और माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2 माइनस के साथ इसका भी रो और कॉलम छोड़ के माइनस 2 माइनस 1, और फिर इसका कॉलम और रो छोड़ के माइनस 4 माइनस 1। इस प्रकार से ये हुआ हम लोग का एडजॉइंट ए। सॉरी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तब ना एडजॉइंट होगा। तो ये हुआ आपका 13, फिर 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 और माइनस 5, इसका ट्रांसपोज कर लिया जाए तो एडजॉइंट ए आपको मिला। एडजॉइंट ए मिला आपको 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस 5। ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए यही निकालने में झमेला है। लोग यहाँ एडजॉइंट ए निकालने में ही फंसते हैं। अब आइए फार्मूला आप जो है हमारा यूज करते हैं, इसके बाद ही हम लोग फार्मूला यूज कर पाएंगे, है ना। तो फार्मूला लिखते हैं, एक्स बराबर ए इनवर्स गुना बी से, एक्स बराबर 1/A का डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट ए और गुना बी। ये हुआ, किताब से बी लिखने के लिए मुझे एक बार देखना पड़ेगा। बी यहाँ पहले से है हम लोगों का, ए का डिटर्मिनेंट तो 34 मिला, एडजॉइंट अभी आपने निकाला है 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5। और बी सवाल हम लोग बना रहे हैं जो उसमें हिसाब से है, बी है 1 3/2 9 ये है हम लोगों का। चलिए देखते हैं हम लोग, अब बस कैलकुलेट कर देना है, एक से एक्स वाई जेड 1/34 इसका इसके साथ गुणा होगा तो 13 गुना 1 समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ 13 गुना 1 13, फिर 8 गुना 3/2 तो ये चलते ही 12 हो जाएगा, और 1 गुना 9 तो ये 13 12 25 और 9 34 हो गया। फिर सेकेंड रो का इससे गुणा तो 5 एकम 5 5 एकम 5 और माइनस 10 से इसमें गुणा होगा तो 2 से कटेगा 5 5 15 माइनस 15 आ प्लस 3 9 27, तो यहाँ माइनस 10 और 27 17 हुआ। और उसी तरह से लास्ट वाला 3 एकम 3 माइनस 9 और ये 27 27 3 30 में से 9 गया, 3 एकम 3 3 9
और फिर इससे हम लोग इसमें गुणा कर रहे हैं ना, एक तीन तीन, फिर माइनस में नौ और माइनस 45 है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 51। ये हुआ हम लोग का। फिर ध्यान दीजिए आप लोग, अब 1/34 से गुणा होगा तो 34 × 1/34 और उसी तरह से आगे 17 × 1/34 और −51 × 1/34। कैलकुलेट कीजिए, 34 34 कटेगा, ये दो बार में कटेगा, 17 से ये तीन बार में कटेगा और ये दो बार में कटेगा, तो आपका आ जाएगा 1, फिर 1/2 और फिर आ जाएगा −3/2। ये सॉल्यूशन हुआ। ऊपर वाला x का मान, उसके नीचे y का मान, उसके नीचे z का मान, तो ये आपका x y z का मान हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात थी। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका 2x + 3y + 3z = 5 और फिर है x − 2y + z = −4 और फिर 3x − y − 2z = 3। ये है आपका। फिर उसी तरह से ये आपका लिखेंगे एक्स वाई जेड का गुणांक 2 3 3 1 −2 1 3 − 1 − 2। एक्स होगा आपका एक्स वाई जेड, बी होगा आपका 5 − 4 3। लेकिन अब हमको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स के लिए 1/1 डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट है, तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट है ना, 2 के साथ 2 का रो और कॉलम छोड़ के 4 + 1, −3 के साथ 3 का रो और कॉलम छोड़ के −2 − 3, +3 के साथ 3 का कॉलम और रो छोड़ के ये −1 − 1 + 6। कैलकुलेट करेंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, अंदर में −5 × −3 ये 15 हो जाएगा और ये 3 × 5 ये भी 15 हो जाएगा, 15 × 30 और ये 40। ए का डिटर्मिनेंट हुआ हम लोग का 40। अब ए का हमको एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट है, वीडियो इधर लाइए, ये नीचे वाला दिखा है यहाँ तक है ना, ठीक है। ए का एडजॉइंट, एडजॉइंट तो लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले मैट्रिक्स ज़रा सामने रख ले हम लोग, 2 3 3 1 − 2 1 3 − 1 − 2, इसका हमको कोफैक्टर लिखना है और फिर ट्रांसपोज करना है, तो 2 का कोफैक्टर, 2 का रो और कॉलम छोड़ के 2 का हो जाएगा प्लस ये 4 + 1, −3 का 3 का कॉलम और रो छोड़ के −2 − 3 और फिर इस 3 का 3 का कॉलम और रो छोड़ के −1 + 6, उसी तरह से माइनस में इसका स्थान चिन्ह −1 का रो और कॉलम छोड़ के ये और ये बचा है, तो 3 × −2 = −6 + 3 + इसके लिए इसका भी रो और कॉलम छोड़ के 2 × −2 − 4 और −9, फिर −3 के साथ इसका रो और कॉलम छोड़ के −2 − 9 और फिर इसका प्लस में इसका भी रो और कॉलम छोड़ के 3 + 6
अच्छा, और इसका इसका रो और कॉलम छोड़ के 2 घटाओ 3, और फिर इसका भी रो और कॉलम छोड़ के -4 -3। इस प्रकार से हम लोग का ये एडजॉइंट मिला, इसका ट्रांसपोज करना है हम लोग को। 5 और 5 5, और ये हो जाएगा आपका -3, 9 4 13, 9 2 11, 9 -1 तो 1 हो जाएगा -7, एडजॉइंट हुआ आपका। ए का डिटर्मिनेंट आपको मिला ही है 40, और सवाल बनाने के लिए आपको बी भी चाहिए ना, तो बी है 5 -4 3। और फॉर्मूला लिख करके हम लोग सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो फॉर्मूला है आप लोग का, एक्स बराबर ए इनवर्स गुना बी से, जिसमें ए इनवर्स है 1/A का डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट ए गुना बी। तो 1/A का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट हम लोग को मिला है 40, एडजॉइंट हम लोग को मिला है 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7, और बी है हम लोग का 5 -4 3। कैलकुलेट कीजिए, गुणा करने से जो भी आ जाए, जैसे 1/40 है ये और गुणा आप कर रहे हैं, तो 50 25 -20 और +15, तो यहाँ आपका 25 और 15 40 में से 20 गया, 20 हो गया। सेकेंड रो से इसका गुणा कर रहे हैं, तो 3 5 15 प्लस 33 39 43 52 और +11 33, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5 और 5 10 का 0 हाथ में लगा, 1 3 5 8 1 9 1 10 100 हो गया। ये हुआ हम लोगों का 33 और 15, और ये और लास्ट वाला 9 1 -7 है, तो 9 5 45, -4 और -21, 45 में से 25 गया, 20 बचा, और 20 से सब में भाग लगेगा। हाँ, ये इधर है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड बराबर 40 से इसमें भाग लगा, तो 1/2, और फिर इसमें आ जाएगा 5/2, क्योंकि 20 से कटाएंगे ना, और ये भी आ जाएगा 1/2। तो ये एक्स वाई जेड के 3 मान मिले। अच्छा, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13, 13 हो गया। और 15 16 के लिए मुझे क्या कहना है आपको, 15 में यहाँ कुछ नया नहीं है, 15 में सवाल नहीं बताऊँगा, बस हिंट दे रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि सवाल तो ये वही है, बस कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, एक छोटी सी बात के लिए कन्फ्यूजिंग है ना, कुछ नया है नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है आपका, सवाल में नहीं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, समझिएगा। ए बराबर है आपका 2 -3 5, 3 2 -4, 1 1 -2, कह रहा है ए इनवर्स निकालें। और कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगा, तो समीकरण नीचे लिखा है 2x -3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। कन्फ्यूजन क्यों होगा, बस कन्फ्यूजन इसी बात की है कि ए जो है आप जो लिखते थे सवाल में पहले से लिख दिया है, तो ए अगर आप यहाँ लिखकर भी देखिएगा तो देखिए ना, वही आएगा आपका 2 -3 5, 3 2 -4, 1 1 -2, वही ना है। और हर सवाल को इस तरह का बनाने के लिए आप ए इनवर्स निकालते ही हैं, ए इनवर्स बराबर 1/A का डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट, यानी कि पीछे जो 11 13 मैंने बनाया वैसे ही बनेगा। हाँ, एक्स बराबर है आपका एक्स वाई जेड, बी बराबर है आपका यही 11 -5 और -3, वैसे ही बना लेना है। पहले ए इनवर्स ही ना निकालिएगा, ये बोल दिया कि इनवर्स ज्ञात कीजिए,
अब बाकी सवालों में बोला नहीं गया है, आप अपने से ज्ञात करते थे, तो आप ये इनवर्स ज्ञात करेंगे ही, वहाँ पर भी एक बार आंसर लिख देंगे और सवाल पूरा बनने के बाद भी एक बार आंसर लिख देंगे, बस इतना ही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन वो भी मुझे समझाना ही है, पूरा नहीं बनाना है, है ना। देखिए पूरा मैं पढ़ रहा हूँ एक बार और मैं समझाऊंगा, एक बार मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है 4 केजी प्याज, है ना, प्याज की बात की जा रही है। कह रहा है 4 केजी प्याज, 2 केजी, 3 केजी गेहूँ, गेहूँ कही जा रही है 3 केजी, केजी मैं नहीं लिख रहा हूँ, खुद से समझिए, और 2 केजी चावल, चावल है 2 केजी, इन सब का मूल्य है 60 रुपया, इन सब का मूल्य है 60 रुपया। ध्यान कीजिए, ध्यान दीजिए, प्याज 4 केजी, गेहूँ 3 केजी, चावल 2 केजी का मूल्य है 60 रुपया। फिर उसके आगे लिखा है कि प्याज 2 केजी, 4 केजी गेहूँ और 6 केजी चावल का मूल्य है 90 रुपया। और उसके बाद लिखा है 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूँ और 3 केजी चावल का मूल्य है 70 रुपया। आप व्यूह विधि से सबका मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। माना इसका मूल्य है 100 रुपया प्रति केजी, माना इसका मूल्य है ₹Y प्रति केजी और माना इसका मूल्य है ₹Z प्रति केजी। तो 1 केजी का 100 रुपया ना है, 4 केजी का 400 रुपया, 3 केजी का, और यहाँ भी 1 केजी का ₹Y है। फिर से देखिए, 1 केजी का 100 रुपया है, तो 4 केजी का 4x, 2 केजी का 2x, 6 केजी का 6x, 1 केजी का ₹Y है, तो 3 केजी का ₹Y, वैसे ही जेड के लिए सब जगह जेड, और ये टोटल जोड़ कर ना मूल्य है 60 रुपया, और वैसे ही ये भी टोटल जोड़ कर है 90 रुपया, और ये भी टोटल जोड़ कर है 70 रुपया। तो ये भी सामान्य तरीके से उसी तरह से इसको बनाना होगा, ए बनाना होगा, तो ए हो जाएगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3, एक्स होगा XYZ और बी होगा आपका 60 90 70, ये हुआ। तो ये था 4.6 का क्वेश्चन नंबर 16 का हिंट, और ये लास्ट क्वेश्चन है। मुझे आशा है आप सब लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से वीडियो इसका बनाऊंगा, है ना। अभी मेरा अनुमान था कि चूँकि पहले आप लोग सीखे हैं इसलिए थोड़ा सा बहुत भी बताने से हो जाएगा आपका। सो थैंक यू ऑल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइए इस लॉकडाउन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे।